My dear friends, welcome back to the IIT students. In this video, we are going to talk about two important problems from complex analysis. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहला प्रॉब्लम आपके सामने I इंटीग्रल दिया है और 0 टू 2 पाई पे वेरी हो रहा है हमारा थीटा. तो इंटीग्रैंड इज e रेस टू t रेस टू आई थीटा. तो हमारे I की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आर 1 सबसे पहले चीज हम समझेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रल दिया है वो इस फॉर्म में, तो ये फॉर्म हमारा थीटा में रिप्रेजेंट है, बट यूजुअली हम z में इंटीग्रेट करते हैं. सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. थोड़ा मुझे ठीक है, अगर हम e रेस टू आई थीटा को z सब्स्टिट्यूट किया इसका मतलब dz क्या होगा हमारा? dz e रेस टू आई थीटा आई डी थीटा. तो हमें इधर से थीटा का वैल्यू डी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. सो फ्रॉम दिस आई कैन आइडेंटिफाई डी थीटा एज डी जेड अपॉन ई रेस टू आई थीटा इन टू आई विच इज जेड इन टू आई. ओके, तो एक बार आपके पास डी थीटा आ गया. नाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल. सो आई हमारे पास क्या है इंटीग्रल? अभी देखो इंटीग्रल 0 टू 2 पाई है, थीटा इज अवर रियल. तो एक चीज़ आप देख सकते हो, अगर जेड ई रेस टू आई थीटा है तो मॉड जेड आपका मॉड ई रेस टू आई थीटा बनेगा विच इज एग्जैक्टली 1. तो मॉड जेड 1 है मतलब कर्व हमारा क्लोज्ड है, और क्लोज कर्व पे इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे थ्योरम है, कर्व्स इंटीग्रल फार्मूला है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है. देखते हैं इधर कौन सा यूज होगा. तो इंटीग्रल ओवर सी विच इज हमारा यूनिट सर्कल. तो वंस यू गॉट अवर सर्कल, व्हाट वी कैन डू नाउ, ई रेस टू जेड डी थीटा की वैल्यू इज डी जेड अपॉन जेड टाइम्स आई. आई हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं ई की पावर जेड अपॉन जेड डी जेड. अभी आप क्या कर सकते हैं, कौशल इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर आई हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन आई इज आउटसाइड, सो बाय कौशल इंटीग्रल फार्मूला इट इज 2 पाई आई एफ एट 0, बिकॉज ये 0 सिंगुलैरिटी सर्कल के अंदर है ना, ये हमारा यूनिट सर्कल. ठीक है, ये हमारा यूनिट सर्कल और ओरिजिन वी हैव गिवन एज द सिंगुलैरिटी. इनसाइड है द कौशल इंटीग्रल फार्मूला. सो वी हैव यूज्ड हियर यूजिंग कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला. ठीक है, हमेशा हैबिट बनाओ कि आप रेफरेंस देते चलो, ताकि आप जब आपका नोट्स खुद ही रेफर करोगे तो पता चलेगा यूज क्या किया है. ठीक है, सो कुछ कैंसिल हो रहा है कि ये आई और ये आई आप कैंसिल करवा सकते हो, तो बचेगा हमारे पास 2 पाई एफ एट 0. एफ जेड क्या है हमारा, जो भी आपका न्यूमरेटर है. ठीक है, ई रेस टू जेड दैट इज योर फंक्शन एफ जेड. तो ये आएगा एफ जेड हमारे पास ई टू द पावर जेड है, ये आएगा 2 पाई इन टू एफ ऑफ जेड इज ई रेस टू 0 विच इज 2 पाई इन टू 1, तो ये आएगा 2 पाई. तो हमारा इंटीग्रल का वैल्यू आएगा बच्चों 2 पाई विच इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. ओके, तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म किया पैरामेट्रिक फॉर्म में. ठीक है, ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू जेड, देन हमने डी जेड डी थीटा का वैल्यू निकाला, ई रेस टू आई थीटा को हमने रिप्लेस किया जेड से, 0 टू 2 पाई हमारा बन गया क्लोज इंटीग्रल सी पे. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो. ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का मॉड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6 आई का स्क्वायर, और इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें जाननी है बच्चों क्या हो सकती है. ठीक है, जेड हमारा कोई भी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन. सो एफ ऑफ जेड हमारे पास दिया है मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 3 स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 6 आई का होल स्क्वायर. ठीक है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले तो रियल में कन्वर्ट करिए. एक्स मॉड जेड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 मीन्स एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
जेड माइनस सिक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते फर्दर एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स टू द ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स। ओके तो एक्स स्क्वायर कितने बार है, एक्स स्क्वायर एक बार दो बार और ये तीन बार है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी तीन बार है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं थ्री टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स कितने बार है, एक ही बार है तो माइनस सिक्स एक्स, वाई कितने बार है, एक ही बार है माइनस ट्वेल्व वाई, कॉन्स्टेंट दो है, थर्टी सिक्स एंड नाइन वुड बी फोर्टी फाइव। तो दिखने में तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन था बट है एक्चुअल में रियल फंक्शन, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ गया। ठीक है, या आपको इसको एफ ऑफ एक्स वाई लिखिए। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में अगर हमें मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्जर्व करो। सो हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे एंड देन विल गेट व्हाट इज एफ एक्स, ये आएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स, बाकी सब जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम, तो पहली चीज तो हमें एक्स वन मिल गया। नेक्स्ट एफ वाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो करते तो क्या आएगा, एफ वाई सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल्स टू आएगा टू, ये सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो वन कॉमा टू हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, सो देयरफॉर सी इक्वल्स वन कॉमा टू इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आर हमारा क्या होता है, एफ एक्स एक्स, टी हमारा होता है एफ वाई वाई एंड एस हमारा होता है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो आएगा एफ एक्स एक्स वुड बी सिक्स, एफ वाई हमने निकाला था सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व, तो एफ वाई वाई वुड बी अगेन सिक्स। एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, जीरो। नाउ वी कंसिडर डेल्टा विच इज आर टी माइनस एच स्क्वायर विच इज सिक्स इंटू सिक्स माइनस जीरो, तो ये 36 है, पॉजिटिव है। अगर हमारा डेल्टा पॉजिटिव है दैट मीन्स डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीमल इसके पास मैक्सिमम या मिनिमम होगा, वो डिपेंड करते हैं आर कैसा है। डेल्टा पॉजिटिव है एंड आर हमारे पास क्या है, 6 है पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम मिनिमम एट पॉइंट सी इक्वल्स 1, 2। अभी मिनिमम हमें पता चल गया 1.2 पॉइंट पे है और हमें मिनिमम निकालने बोला है इस फंक्शन का, तो सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर 1.2 पुट करेंगे। ठीक है, सो नाउ एफ ऑफ 1.2 हमें मिनिमम लेने वाला है, विच इज थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू वन माइनस ट्वेल्व इंटू वन 12 इंटू टू प्लस 45 क्या हो गई है, 3 थ्री जा नाइन माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस 45 कितना आएगा, 9 माइनस सिक्स वुड बी 3, 3 माइनस ट्वेल्व वुड बी माइनस नाइन प्लस 45, तो 45 में से 9 गया कितना बचता है, दिस इज गोइंग टू बी 6 आएगा, ये इफ 5 होगा ना, सो 4 एंड 1 5 5 थ्री 15 15 माइनस 6 माइनस 24 प्लस 45 ये कितना होगा 30, 50 माइनस 30 प्लस 45 दिस इज गोइंग टू बी 60 माइनस 30, तो मिनिमम वैल्यू 30 आना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाटएवर एफ जेड
इज इक्वल्स टू 30। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, मिनिमम वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है फंक्शन की, जो कि हमें 30 आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव द कोफिशियंट ऑफ 1 बाय जेड इन द लॉरेंट एक्सपेंशन फॉर दिस फंक्शन साइन 2z अपॉन z स्क्वायर वुड बी व्हाट सॉल्यूशन। तो एफ जेड हमारे पास दिया है साइन का 2z अपॉन में जेड स्क्वायर है। ठीक है, 1/z मतलब रेसिड्यू पूछा है, तो रेसिड्यू निकालेंगे कैसे, तो एक्सपेंशन से आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला हमारे पास दोनों मेथड प्रेफरेबल है। तो पहले तो हम देखेंगे रेसिड्यू, तो 1/z² हमारे पास, तो साइन 2z का एक्सपेंशन क्या होगा, तो साइन जेड देखा जाए तो ऐसे लिखते हैं हम जेड, z³/3 फैक्टोरियल, z^5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आएगा 1/z² 2z, 2z का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2z का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें ये आएगा 2 टाइम्स 1/z, ये आएगा। ठीक है, बाकी टर्म्स को फर्क नहीं पड़ता हमें, बिकॉज 1/z आ गया, वी हैव टू स्टॉप लुकिंग फॉर द कोफिशियंट। तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट कितना है, 1/z का 2 है। सो कोएफिशिएंट यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, रेसिड्यू, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज गोइंग टू बी 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप सीएसआर नेट के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो जून 2024 और दिसंबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए IFS ने रिकॉर्डेड कोर्स पे या एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज पे फ्लैट 30% ऑफ ऑफर किया है। तो अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं जिसका ड्यूरेशन 2 मंथ है, या आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं जिसका ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आधा घंटा है ना? नहीं, पूरा बता। ठीक है, आधे घंटे में लेते हैं।